हे क्यूटीज, तो आज मैं डेकोरेट करूंगी अपनी नोटबुक के फ्रंट पेज को, क्योंकि नया सेशन जो स्टार्ट होने वाला है, सिर्फ मेरा नहीं यार, आप लोगों का भी, तो इसीलिए तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। और ऐसे भी इस सेशन के लिए मुझे बोरिंग नोटबुक्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। क्या पता इन बोरिंग नोटबुक्स को डेकोरेट करने के बाद मेरा पढ़ाई में थोड़ा मन भी लगने लगे, तो आप लोग भी इसे जरूर से ट्राई करना। तो चलो अब बातें कम करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले मैं कर रही हूँ प्यारी सी इंग्लिश नोटबुक को डेकोरेट, मतलब प्यारी अभी नहीं, बनने के बाद लगेगी, एडवांस में बोल दे रही हूँ। इस नोटबुक को मैं व्हाइट पेपर से कवर कर रही हूँ। ऑलमोस्ट सारी नोटबुक्स को मैंने A4 शीट से ही कवर किया है, ताकि जिनके पास सिर्फ व्हाइट पेपर है वो भी इसे ट्राई कर सके। जो एक्स्ट्रा पेपर बच जाएगा उसे हमें अपोजिट साइड में स्टिक कर देना है। तो इस तरह से हमारी सिंपल सी नोटबुक रेडी हो जाएगी डेकोरेट करने के लिए। अब जल्दी जल्दी मैं रफ स्केच बनाना स्टार्ट कर दूंगी। बाय द वे, इंग्लिश से मुझे एक स्टोरी याद आई, मतलब इंग्लिश की बुक वाली स्टोरी नहीं, हमारी कुछ दिन पहले की रियल स्टोरी। आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे हर महीने पीरियोडिक टेस्ट होते हैं। कुछ दिन पहले जब हमारे पीरियोडिक टेस्ट 5 चल रहे थे ना, तो हमारा क्वेश्चन गलती से 8 वालों को मिल गया, और मेरी फ्रेंड की बहन 8 में थी। फिर क्या हमें सारे क्वेश्चंस पता चल गए जो एग्जाम में आने वाले थे, मतलब हम लोग कंफर्म नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल वाले चेंज भी कर सकते थे। हम लोगों ने प्लान किया कि कोई किसी को बताएगा, हम ही लोग 20 out of 20 लेके आएंगे, और पता है एग्जाम में तो वही क्वेश्चंस आ गए। मतलब हमें तो लगा था कि पैसेज चेंज हो सकता है, पर पैसेज तक सेम आ गया यार। हम लोग तो बड़े ही खुश थे कि बाकी लोगों से अच्छा मार्क्स आएगा हम लोग का, पर एग्जाम देने के बाद पता चला कि सबको इस क्वेश्चन के बारे में पता था, लेकिन क्वेश्चंस लीक नहीं भी होते ना, तो मेरा ऑलमोस्ट फुल मार्क्स आ ही जाता है। क्योंकि देखो लिटरेचर में सारी स्टोरी पढ़ के जो खुद से आंसर बना लो, और ग्रामर का क्या, जो बोलने में सही लगता है मैं वही लिख के आ जाती हूँ। एनीवेज, बातें करते करते हमारी ये फर्स्ट नोटबुक कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पे इंग्लिश का मैंने थोड़ा सा थीम फ्लोरल टाइप रखा है। लास्ट में बॉर्डर्स हाईलाइट करने के बाद हमारी इंग्लिश नोटबुक बिल्कुल रेडी है। अब चलो चलते हैं फिजिक्स नोटबुक की तरफ। फिजिक्स में मेरा प्लान है गिरता हुआ सेब ऊपर से गिराने का, और नीचे खड़े रहेंगे न्यूटन अंकल, ताकि फिर से वो सेब सर पे गिरने का मजा चख सके। एप्पल को भी मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया, क्योंकि यार इतना अच्छा सब्जेक्ट हमें जो उन्होंने बना करके दिया है फिजिक्स, इसीलिए बदला तो मैं लेके रहूंगी। अभी तक बदला लेने की कोई बात थी नहीं, क्योंकि इस फाइनल एग्जाम में फुल मार्क्स लेके आई हूँ फिजिक्स में। बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, पर फिजिक्स में न्यूमेरिकल के बावजूद भी मैं फुल लेकर के आई हूँ यार। इस साल 8 क्लास के बुक देख करके ना मुझे फिजिक्स से डर लगने लगा है। एक तो इतनी ज्यादा टफ है, ऊपर से एकदम बेरंग है। मेरा तो मन कर रहा है कि उसको पूरा एक्रिलिक पेंट से पेंट कर दूं, कलरफुल बना दूं, अलग अलग फिगर्स बना करके, पर अफसोस ऐसा कर नहीं सकती। कोई बात नहीं, फिजिक्स की नोटबुक को इंटरेस्टिंग बना देंगे। बना क्या देंगे, बना दिया, देखो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। नाउ मैं बनाने जा रही हूँ केमिस्ट्री की नोटबुक। इसमें मैंने सोचा कि मैं वाटर कलर बैकग्राउंड बनाऊं, क्योंकि केमिस्ट्री में कलरफुल केमिकल्स रहते हैं ना, इसीलिए मैंने पर्पल और पिंक कलर का बैकग्राउंड में केमिकल गिरा दिया। यहाँ पे थोड़ी सी नोटबुक दिख रही थी, तो मैंने सोचा कि अपने थिन वॉशी टेप से इसको कवर कर दूं। पता नहीं क्या सोच के मैंने ये होलोग्राफिक वाला यूज कर लिया था, बिल्कुल छपरी लग रहा था। फिर मैंने बैकग्राउंड से मैचिंग ही वॉशी टेप इसमें लगा दिया, जिसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ केमिकल्स ड्रॉ किए हैं पेपर पे, उसको मैं यहाँ पे चिपका, एकदम क्रिएटिव वे में केमिस्ट्री लिख रही हूँ, जिसके हर लेटर के नीचे उसके एलिमेंट का फुल नेम लिखा हुआ था। बस हमारी पिंकी केमिस्ट्री नोटबुक बिल्कुल रेडी है। फिजिक्स बना दिया, केमिस्ट्री बना दिया, अब बचा है बायो कॉपी। ओहो, कॉपी कहाँ से मैं बोलने लगी, मुझे तो नोटबुक बोलना था। मतलब मैं डेकोरेट कर रही हूँ अपनी प्यारी सी बायोलॉजी नोटबुक, और ये आइडिया मैंने लिया है पिंटरेस्ट से, इसलिए दिमाग से कहाँ बनाऊंगी अपने। मालूम है ये वाला हाथ थोड़ा सा पकौड़े जैसा बन गया, बट कोई बात नहीं। मैं स्टार्ट कर दूंगी कलरिंग करना अपने प्यारे ओहो मार्कर से। मैं इसको कलर करके कम्प्लीट कर दूंगी। और ये क्या इतनी जल्दी ये कम्प्लीट हो गया, और कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है ये। अच्छा, अब हमें डेकोरेट करना है मैथ्स नोटबुक को। वैसे तो मैथ्स इस लाइक है नहीं कि मैं उसको डेकोरेट करूं, पर अगर आप लोगों में से कोई टॉपर हुआ और मैथ की इतनी इंसल्ट सुनने के बाद मेरी वीडियो को डिसलाइक करके चला जाए, तो नहीं ना, इतना रिस्क नहीं ले सकती मैं, इसीलिए मैथ्स को भी डेकोरेट करना पड़ेगा। और ना चाहते हुए भी मैथ्स की नोटबुक अच्छी बन गई, लेकिन मैं क्यों नहीं चाह रही उसको अच्छा बनना है, तो ये मेरी ही नोटबुक ना, मुझे तो खुश होना चाहिए। लेकिन मैं तो खुश हूँ ही, क्योंकि हमारे 500 के सब्सक्राइबर्स जो कंप्लीट हो गए, मुझे तो स्टार्टिंग ही में थैंक यू बोलना चाहिए था, पर क्या करूं, बकवास करने में ही इतनी बिजी रहती हूं। थैंक यू सो 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 मच क्यूटी। अब इतना सो कर दिया, तो आप लोग सो मच जाना, वीडियो पहले देख लो। वैसे अगर मैं ये पूरी वीडियो क्या पूरा दिन भी आप लोगों को थैंक यू बोलती रहूं, तो वो भी कम है, इतना सपोर्ट जो आप लोगों ने किया है। बस यही कहूंगी कि आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहा करो। अब बाकी बची नोटबुक्स मैं आप लोगों को ऐसे ही दिखा रही हूं। शूट तो मैंने सबकी वीडियो की थी यार, पर क्या करूं, नहीं था मेरे पास एडिट करने का। आज ही मैंने इन सारी नोटबुक्स को कंप्लीट कर दिया, और आज ही मुझे इसकी वीडियो अपलोड करनी थी, और ऐसे ही इतना लेट हो गया वीडियो डालने में। ये सबको एडिट करने बैठती तो मेरी वीडियो 12-1 बजे आती। इसीलिए मैंने सोचा कि इन्हें एडिट नहीं करती हूँ, लास्ट में ये सब दिखा दूंगी। ऐसे भी आप लोग मेरी वीडियोस देखते देखते इतने जीनियस हो गए हो, पॉज करके बना लेना आप लोग ऐसा भी। और ये तो आप लोग देख ही सकते हो कि मैंने इसे ट्रांसपेरेंट शीट से कवर कर दिया था, ताकि मैंने जो सारी मेहनत की है वो सेफ रहे। लेकिन मेहनत तो सेफ तभी होगी जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, और मुझे कमेंट में ये जरूर से बताना कि आप लोगों को सबसे अच्छी नोटबुक कौन सी लगी। बाय बाय।